तो भाई रियलमी तैयार है चाइनीज मार्केट में 4 नवंबर को रियलमी GT 7 प्रो को लॉन्च करने के लिए, और अगले कुछ दिनों में इंडियन मार्केट में भी ये फोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। रियलमी इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है, इंडिया में कब लॉन्च होगा, कौन सी प्राइसिंग के साथ में लॉन्च होगा, चलिए सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो थोड़ी स्पेक्स पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे हमें 6.78 इंच की एक 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में 120 हर्ट्ज का ऑटोमोबाइल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सेंटर में पंचोल कैमरा, क्वाड्रो नॉच, HDR10 का सपोर्ट और वाइड 1/11 सर्टिफाइड देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल भाई डिस्प्ले क्वालिटी एकदम तगड़ा शानदार धमाकेदार होगा। बात करके प्रोसेसर के बारे में, तो ये फर्स्ट फोन होगा जो इस प्रोसेसर के साथ में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर लॉन्च हुआ, वही प्रोसेसर के साथ में ये फोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। तो UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप और LPDDR5X की रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। मतलब भाई एकदम फ्लैगशिप प्रोसेसर, ऐसा नहीं फ्लैगशिप किलर वाला नहीं, एकदम फ्लैगशिप प्रोसेसर ही हमें देखने को मिल जाता है। तरह के कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक में 50MP का ट्रिपल कैमरा, 50MP का मेन कैमरा, जहाँ पे OS देखने को मिलेगा सोनी का IMX906 वाला सेंसर, फिर 50MP का टेलीफोटो लेंस जहाँ पे सोनी का सेंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें जो 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलने वाला है। हल्के फ्रंट में हमें 32MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर थोड़ा कम है भाई, ये फ्लैगशिप है तो उतना काम करना चाहिए था, बट मेन और जो टेलीफोटो लेंस वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। बात करके बैटरी और चार्ज के बारे में, तो यहाँ पे 6500mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, और ये फोन 120W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, चार्जर डब्बे मिल जाएगा। अब 6500W थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट लीक्स के हिसाब से तो अभी इतना ही कहा जा रहा है। तरह के UI के बारे में, तो ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 4 रियलमी UI के साथ में रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। सेंसर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB Type-C का पोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात करें तो आप ग्लास के साथ में बैक पैनल देखने को मिलेगा, साइड का फ्रेम मेटल का देखने को मिलने वाला है। हाँ भाई, ऐसा लगभग मुझे तो लगता है कि ये फर्स्ट या सेकंड टाइम होगा। फर्स्ट टाइम तो X50 Pro में हमें यहाँ पे मेटल का फ्रेम देखने को मिला था, और इस सेकंड टाइम मुझे जहाँ तक अगर रॉन्ग हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर क्लियर कीजिएगा, बट मेरे हिसाब से सेकंड स्मार्टफोन का जहाँ पे मेटल का फ्रेम हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड में एंटीना लाइन्स दी गई है। तो जितने भी मेटल के फ्रेम्स होते हैं तो उसमें नेटवर्क का इशू आता है, इसके लिए एंटीना लाइन्स दी जाती है, और यहाँ पे एंटीना लाइन दिया गया, मतलब यहाँ पे मेटल का फ्रेम भी देखने को मिल जाएगा, और ठीक ठाक रियलमी का हमें डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे हमें 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ऑरेंज, एक यहाँ पे सिल्वर और एक ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाले। हालांकि आपका फेवरेट कलर कौन सा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, पर्सनली तो भाई मुझे ब्लैक वाला बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा है। बात करके प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो भाई देखिए इसके जो प्राइसिंग हुई लगभग 50,000 से 55,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, और बेस वेरियंट तो मिनिमम 12 GB रैम और 256GB स्टोरेज साथ में तो देखना ही चाहिए। हालांकि कहीं बताया नहीं गया, बट अगर फ्लैगशिप फोन है तो इतना तो मिनिमम रहना ही चाहिए। इंडिया लॉन्च डेट की बात करें, देखिए 4 नवंबर को तो चाइना में जाएगा, बट नवंबर के महीने में ही हमें इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा, 100% कन्फर्म है। रियलमी इंडिया ने ऑफिशियली कन्फर्म भी कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि नवंबर के लास्ट वीक में, मतलब 25 से 30 नवंबर के आसपास हम इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। बट भाई ये देखने वाला होगा, क्योंकि IQ 13 भी इसी के आसपास इंडियन मार्केट में आएगा। तो भाई अगर ये दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाता है तो भाई IQ 13 आदमी ज़्यादा लेना प्रीफर करेगा, तो रियलमी वाले को थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यहाँ पर रखना पड़ेगा। वैसे भी आप कौन से फोन के लिए एक्साइटेड हो, रियलमी GT 7 Pro फिर IQ 13, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं, सुनर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।